हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमंत। तो देखिए, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों और रीट को क्वालिफाई करने के बाद जो आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को मैंने सिलेबस जो है वो दिखा दिया था। अब तैयारी जो है वो आप लोग कैसे करेंगे, तो आज का वीडियो इसी के लिए रहेगा। लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले, जो भी हमारे चैनल से कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, तो ये सब को जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें जो है SST का कोर्स चाहिए, अब देखिए मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया था ये सिलेबस वाला, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके द्वारा टॉपिक जो है वो मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से मेंशन नहीं किए गए हैं, तो इस वजह से कोर्स आप लोगों को अभी अवेलेबल नहीं करवाऊंगी। लेकिन वो चीज़ आप लोग अभी ले सकते हो जो कि बहुत अधिक मार्क्स की आपके एग्ज़ाम में आ रही है और आपको रीट और थर्ड ग्रेड के पेपर दोनों में ही आपको एक जैसा फ़ायदा जो है वो दिला सकती है। यानी आप रीट की तैयारी करेंगे तो आपकी इसकी तैयारी भी साथ में होती रहेगी। अलग से कोई भी बुक जो है वो आपको नहीं लानी है, अलग से कोई भी गाइड जो है वो आपको नहीं लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 1 वाले जो हैं, जो कि राजस्थान का GK आपका 90 नंबर का है 300 मार्क्स में से, तो 90 नंबर के लिए हमारे जो राजस्थान GK के जो नोट्स हैं आप लोग वो लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सामाजिक अध्ययन का 10 नंबर का आपका आ रहा है, ये यानी 100 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर तैयार हैं, आप लोग चैनल से आप प्राप्त कर सकते हो। और यदि आप नहीं भी लेना चाहते हो तो उसका भी जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जो है RBSC की 6 से 10 तक की बुक जो है वो खरीदिए। राजस्थान GK की जो अभी इस वक्त स्कूल में चल रही है वो बुक खरीदिए, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। और इस तरीके से आप 100 मार्क्स जो है इसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को जब ये टॉपिक मेंशन हो जाएंगे फिर कंप्लीट जो है आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी से ही तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जो है इस चीज़ को करें, बुक जो है इनको पढ़ें, क्योंकि बाद में भी यदि आप कोर्स लेते हैं तब भी राजस्थान का GK जो है वो वही रहेगा। सामाजिक अध्ययन जो 10 मार्क्स का आप लोग करेंगे ये भी वही रहेगा मेरे द्वारा, तब भी आप लोगों को यही करवाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, शैक्षणिक रीति विज्ञान, ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, राजस्थान का करंट अफेयर, तो यहाँ पर जैसे ही सिलेबस में जो टॉपिक हैं ये आपके मेंशन हो जाएंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तब मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है कोर्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा देखिए आप लोगों को कुछ भी जो है दिया जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा सोचकर मैं आप काम करती हूँ। यानी जो बच्चे रीट का लेंगे SST के 60 मार्क्स के लिए कोर्स लेंगे, जो बच्चे जिन क्वेश्चन आंसर की जो PDF है जो बच्चे लेंगे, तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी होगी, उनसे तो आप बच ही नहीं सकते हो। तो अलग अलग जो है वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बुक्स या गाइड आपको लेने की जरूरत नहीं है, बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर इस तरीके से मेरे द्वारा दिए जाते हैं। वहीं पर 6 से 8 तक के जो टीचर बनेंगे उनकी भी यही बात है कि आपके जो 70 अंक हैं राजस्थान GK के, जो कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर की PDF जो है वो मैक्सिमम बच्चों ने ले ली है, क्योंकि उनको पता था कि मैंने उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो है वो आपके कितने काम आने वाली है। सेकंड ग्रेड में तो काम आ ही रही है, यहाँ पर भी वही काम आ रही है, रीट के पेपर में भी आप लोगों के 60 मार्क्स में से देखिए 20 मार्क्स राजस्थान GK का ही है, ठीक है। 40 मार्क्स आपके जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है आपकी इंडिया की वो आती है, वही चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो क्यों ना आप एक जो है एक बार जो है इन PDF को खरीदें, या आप इन बुक्स को पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं, जैसे भी आपको सहूलियत होती है वैसा आप काम करें, जिससे कि आपका कम से कम समय में और कम से कम खर्चा हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के जो है वो इधर उधर से जो है बुक्स भी खरीदें, बाद में कोर्स भी खरीदें और फिर पैसे उनके जो है वो खराब हों। तो यहाँ राजस्थान का GK आपका 6 से 8 तक जो 70 मार्क्स का है और संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, SST की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट SST ही है, साइंस और मैथ नहीं है, ठीक
ठीक है, तो एसएसटी वाले बच्चे जो है वो 120 अंक और 70 मार्क्स, यानी पूरे 190, 300 में से 190 के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। जब ये पॉइंट, जब आपके पता चल जाएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट आपको राजस्थान के जो करंट अफेयर है इसमें पढ़ना है, शैक्षणिक मनोविज्ञान में, शैक्षणिक रीति विज्ञान में, सूचना तकनीकी में कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, तो वो तब आपको कंप्लीट कोर्स जो है वह उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन तब तक आप बैठे नहीं रहेंगे, टाइम जो है वो निकल चुका होगा। तो तब भी आपको, जब कोर्स दूंगी मैं, तब भी आपको मैं आरबीएससी की जो नोट्स हैं वही दूंगी, और राजस्थान जीके जो 70 मार्क्स का है तब भी मैं आपको यही दूंगी। तो इसके लिए तैयारी जो है वो आप अभी से शुरू करें। 70 अंक और 120 अंक जो आपके एसएसटी के हैं, जिनको आपको पढ़ना है, इसमें आपको इंडिया की जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ये आपको पढ़नी होगी। 6 से लेकर 10th तक की क्लास के हर पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि उच्च माध्यमिक स्तर का जो है वो आपका विषय होना चाहिए, और कठिनाई का स्तर जो है वो स्नातक के स्तर का होना चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान का जीके आप पढ़ते हैं और आरबीएससी की जो बुक्स आप पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ जो है इसमें समाहित हो जाता है, और जो भी अलग से कोई और चीजें होंगी तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगी। अब देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है यह भी आप लोगों के लिए तैयार है, लेकिन सिलेबस जब तक एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है शैक्षणिक मनोविज्ञान में, तब तक मैं आप लोगों को कोर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। और जब पता चल जाएगा तो आप लोगों को कोर्स भी मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाली बैठना सही नहीं है। आप इस 70 अंक के लिए और 120 अंक के लिए तैयारी जो है वो कर दें, क्योंकि 300 में से 190 मार्क्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बुक आपको कोर्स मिलेगा तब भी आपको पढ़नी होगी, बुक के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमें जो है वो थर्ड ग्रेड का कोर्स अवेलेबल कराएं, तो बिल्कुल अवेलेबल होगा, लेकिन उससे पहले यदि कोई बच्चा आरबीएससी के नोट्स लेना चाहता है और राजस्थान जीके के नोट्स लेना चाहता है 120 अंक और 70 अंक के लिए, तो वो अभी ले सकते हैं। तो इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है, क्योंकि जो भी आप रीट में पढ़ोगे वही आपको यहाँ पढ़ना है, वही आपको सेकेंड ग्रेड में पढ़ना है, वही आपको फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है, ठीक है। मेरे द्वारा आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रखा जाता है, मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक बात बताती हूँ। बुक्स बदलने से कोई भी फायदा नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। फर्स्ट ग्रेड का अलग कोर्स लो, सेकंड ग्रेड का अलग कोर्स लो, रीट का अलग कोर्स लो, देखिए कोई मतलब नहीं होता है। पैसे खर्च ज़्यादा करने से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि सटीक तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे अच्छी बुक्स को फॉलो करके, तो आप अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो जॉब प्राप्त कर सकते हो। और बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जहां से भी लें, जैसे भी करें, मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना। राजस्थान के जीके, आरबीएससी क्लास 6 से 10 तक क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, ये सब कुछ और प्रिंट आउट जो है वो आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर भी वही आपको करना है कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर हेलो का आरबीएससी, हेलो आरबीएससी का मैसेज करना है। पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, और जिससे पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो व्हाट्सएप पर भेजनी है आपको। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म हो जाता है, 24 घंटे के अंदर ही आपको ईमेल से कनेक्ट करके जो भी कुछ है मैटर वो आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।